ग्राम आज हम ग्राम पंचायत लील की केंद्र और यहाँ उम्मीदवार जो मैदान में हैं, हम सबसे पहले महावीर जी चोपड़ा इनके घर से चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये महिला सीट जो है और यहाँ शारदा देवी जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है और महावीर जी उनके जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप जैसे ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हो तो आप धरातल पर रह के बताएंगे कि इस पंचायत में जो समस्याएं रही है आपकी नज़रों में, उनके लिए आप क्या योजना बना के आए हो। नई पंचायत है तो नई पंचायत में नया पंचायत भवन बनवाना और सड़कों की जहाँ कमी हो सड़कें बनाना और खेल मैदान बनवाने और जो स्कूल में कोई भी पढ़ाई की और की कोई व्यवस्था के लिए कमरे की कमी हो तो कमरे बनवाना, लेटरिन बाथरूम बनवाना गांव गांव में। यहाँ पे दो चीज़ मेन है आज के युग में, महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा। सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखेंगे और छोटी बच्ची हैं उनको पढ़ाने की और की किताबों की कपड़ों की व्यवस्था करवाएंगे और छोटे बच्ची बच्चे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। लिलकी से शारदा देवी जो सरपंच का चुनाव लड़ रही है, उनके जनप्रतिनिधि महावीर जी चोपड़ा है, वो बता रहे हैं कि अगर यहाँ की जनता ने विश्वास के साथ हमें प्यार के साथ चुना तो हम ग्राम पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और यहाँ पर महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखेंगे। सुभाष जी, ग्राम पंचायत लिलकी से आपकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप युवा हो, युवाओं के साथ रहे हो और धरातल पे हम ग्राम पंचायत की जो समस्याएं उन पर चर्चा करेंगे, तो आप जब चुनाव मैदान में आए हो तो यहाँ पे मूलभूत जो समस्याएं रही है या आगे की जो समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया है उसके बारे में आपकी क्या योजना है? हमारी यही सोच रही है कि लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या गौशाला की है, गौशाला है नहीं यहाँ पे, गायों ने तड़प तड़प के मरी थी अभी हमारे पास में जो वन विभाग है वहाँ पे, तो इसलिए गायों के लिए गौशाला बनाना, युवाओं के लिए खेल मैदान बनाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाने का प्रयास करना ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। यहाँ पर लिलकी में इतना बड़ा वन विभाग का भीड़ है और उसके बाद में इतने बड़े गांव में गौशाला नहीं होना और पशुओं के प्रति जो सुभाष जी की हमदर्दी है, हम चाहेंगे कि ये साकार करें, पशुधन के प्रति जो लगाव है इनका ये ज़रूर मानवता का कल्याण करने वाला कार्यक्रम है।